नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूँ राजीव चौधरी। आज हम एक किस्सा भी लेकर आए हैं और एक पहेली भी, और एक आपके लिए एक सवाल भी, जिसका जवाब आपको अंत में देना है। दरअसल ये भारतीय राजनीति के 70 का दशक था। बता जाता है ये वो दौर था जब संजय गांधी की चप्पल तक उठा कर रखना शगुन माना जाता था। कांग्रेस में संजय गांधी की तूती बोलती थी और कई कांग्रेसी नेताओं को संजय की चप्पलों के नीचे से ही अपनी तरक्की का रास्ता दिखाई देता था। चप्पलबाजी के इस दौर में कांग्रेस में एक नेता हुआ करते थे जिनकी याददाश्त इतनी कमज़ोर थी, जो प्रेम करके प्रेमिका को भूल जाते थे और औलाद पैदा करके बच्चों को भूल जाते थे। ऐसे में किसी का नाम भूल जाना तो बहुत छोटी बात है, यहाँ तक कि जिसे अपना सचिव नियुक्त किया उसे भी भूल गई। अगले दिन जब उनके हाथ में फाइलें देखी तो पूछा कि सरकारी फाइलें तुम्हारे पास कैसे? जवाब आया, सर आपने ही तो कल मुझे अपना सचिव रखा था। इसी का फायदा उठाया एक दो लड़कियां, कई महिलाएं ऐसी थीं जो उनके आशीर्वाद से मंत्री तक बनी। ये किस्सा इसी नेता से जुड़ा है। इसी दौर में एक बच्चा जो 1979 में पैदा हुआ, लेकिन पता नहीं था कि उसका बाप कौन है। बाप के नाम को लेकर उसने 35 साल लंबा संघर्ष किया। फिर 2014 में DNA टेस्ट हुआ और पता चला कि उसका बाप UP का 3 बार CM रह चुका है। इस रिपोर्ट के आधार पर बाप ने भी स्वीकार किया कि हाँ, वो उसी का बेटा है। ये कहानी है देश के बड़े नेता NDT तिवारी की। ये कहानी है 35 साल बाद मिले उसके बेटे रोहित शेखर के मर्डर की। वैसे तो तिवारी की शादी देश की आज़ादी के 7 साल बाद 1954 में सुशीला तिवारी से हुई थी। 70 के दशक का आखिरी दौर था। कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, देश में जनता पार्टी की सरकार थी। एक थे प्रोफेसर शेर सिंह, जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे। उनकी बेटी का नाम था उज्ज्वला शर्मा। तिवारी और उज्ज्वला दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों बेहद करीब आ गए। बाद में अलग हुए तो उज्ज्वला को बेटा पैदा हुआ, नाम रखा गया रोहित शेखर। रोहित जब जवान हुआ तो उसने अपने बाप का नाम पूछा। इधर उधर की काफ़ी बात करने के बाद अंत में माँ उज्ज्वला ने स्वीकार किया कि उसका असली बाप कांग्रेस पार्टी तथा देश का एक बड़ा प्रभावशाली नेता है। बेटा एक दिन बाप से अपना हक लेने के लिए मिला, लेकिन बाप की याददाश्त इतनी कमज़ोर थी कि उसने उज्ज्वला और बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया। साल 2008 में रोहित शेखर ने कोर्ट में दावा ठोक दिया कि NDT तिवारी उसके पिता है। 6 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी, अंत में कोर्ट ने DNA टेस्ट का आदेश दिया। कोर्ट ने तिवारी का ब्लड सैंपल लिया और जांच करके बता दिया कि दोनों की रगों में बहने वाले खून का DNA एक है। साल 2014 में देश में चुनावी चहल पहल के बीच तिवारी ने रोहित को बेटा मान लिया। उस वक्त रोहित की उम्र 35 साल थी। इसके बाद 14 मई 2014 को लखनऊ में रोहित की मां उज्ज्वला से शादी की और सभी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में साथ रहने लगे। 35 साल पिछड़े बेटे को बाप तो मिल गया, लेकिन अब शादी के लिए एक लड़की की तलाश थी। मां उज्ज्वला को जब कोई लड़की नहीं मिली तो रोहित ने भी एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपना प्रोफाइल बनाया था। दूसरी तरफ इंदौर की एक लड़की अपूर्वा शुक्ला थी। उसके पिता इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे। एक दिन अपूर्वा की नज़र रोहित तिवारी के प्रोफाइल पर गई। खोला तो देखा बायो में पिता का नाम NDT तिवारी और उनके आगे लिखा है XCM UP और उत्तराखंड। अपूर्वा को वकालत के साथ राजनीति में भी कैरियर बनाना था, इसीलिए वो शादी के लिए एक ऐसा ही लड़का ढूंढ रही थी। उसने तुरंत मैसेज कर दिया। दूसरी तरफ से रोहित का रिप्लाई आ गया। इसके बाद बातचीत शुरू हो गई। दोनों पहली बार लखनऊ में मिले और अंत में 31 मार्च 2018 को दोनों ने दिल्ली के एक होटल में सगाई कर ली। बाप मैक्स अस्पताल में भर्ती था। मैक्स अस्पताल में भर्ती तिवारी से जाकर दोनों ने आशीर्वाद लिया और फिर 11 मई को दिल्ली के एक होटल में दोनों की धूमधाम से शादी हुई। इस शादी में देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अब अचानक कहानी में मोड़ आ गया, क्योंकि इस शादी में एक रिलेटिव ऐसे थे जिनकी पत्नी का व्यवहार एकदम बदला सा था। अपूर्वा इस चीज़ को गौर कर रही थी कि यह कुमकुम कौन है। पेशे से वकील रही अपूर्वा ने उस महिला कुमकुम के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसने पाया कि कुमकुम की शादी 2010 में हुई थी, लेकिन 8 साल तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ। 2018 में उसे बेटा पैदा हुआ। उस बच्चे का घर में कुछ ज़्यादा ही सम्मान था। किस्से को फिर 1979 में ले चलते हैं। उज्ज्वला भी शादीशुदा थी, NDT तिवारी से प्यार किया, रोहित पैदा हुआ था, ठीक इसी तरह महिला थी, शादीशुदा थी, लेकिन अपूर्वा को शक हो गया कि बच्चा रोहित का है। इस बात को लेकर लड़ाई हो गई। लड़ाई इस कदर बढ़ी कि शादी के 18 दिन बाद अपूर्वा अपना ससुराल छोड़कर इंदौर वापस चली गई।
अपूर्वा की माँ और पिता को लगा कि शादी का उनका यह फैसला गलत रहा। बेटा अपने पिता की तरह रसिक मिजाज निकला। अब जिस नेम और फेम के लिए अपूर्वा ने रोहित से शादी की थी, उसे जांचने के लिए अपूर्वा ने रोहित के परिवार की वसीयत निकाल ली। वसीयत के अनुसार तिवारी खानदान की 60% संपत्ति पर रोहित और 40% संपत्ति पर उसी के भाई सिद्धार्थ तिवारी का अधिकार था। किसी एक की मौत पर वह संपत्ति एक भाई की हो जाएगी। इसी में एक चीज़ और गौर करने वाली थी। सिद्धार्थ ने अपने हिस्से की कुछ संपत्ति उस बच्चे के नाम की थी जिसे अपूर्वा रोहित का बेटा मानती थी। संपत्ति में अपना हिस्सा ना देखकर भी उसने घर छोड़ने का फैसला किया था। निराश अपूर्वा ने इंदौर से रोहित को तलाक के लिए नोटिस भेज दिया। ये मामला कोर्ट चला गया। इसी दौरान रोहित की एक सर्जरी हुई, लेकिन अपूर्वा वापस नहीं आई। माँ उज्ज्वला शर्मा सहित परिवार के कई और लोगों ने अपूर्वा को समझाया। इससे हुआ ये कि तलाक का मामला लगभग ख़त्म हो गया और 30 मार्च 2019 को अपूर्वा वापस रोहित के पास फिर डिफेंस कॉलोनी आ गई। साल 2014 के चुनाव से चला मामला अब साल 2019 के चुनाव तक पहुंच गया। 11 अप्रैल थी साल 2019, इस दिन उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने थे। रोहित की माँ उज्ज्वला के साथ वह महिला जो रोहित के रिश्ते की भाभी कुमकुम थी, वो भी काठगोदाम गई, जिसे अपूर्वा रोहित की पत्नी समझती थी। वहाँ जाने के बाद महिला और रोहित ने नशा किया। इसके बाद रोहित ने अपूर्वा को एक वीडियो कॉल कर दिया। वीडियो कॉल में रोहित और वो महिला आपत्तिजनक हालत में दिखे, साथ ही वो एक गिलास से ड्रिंक करते नजर आए। रोहित ने महिला को छिपाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक अपूर्वा सब कुछ देख चुकी थी। इसके 4 दिन बाद 15 अप्रैल को रोहित अपनी माँ उज्ज्वला शर्मा, भाई सिद्धार्थ के साथ दिल्ली आ गए। उज्ज्वला डिफेंस कॉलोनी वाले घर में खाना खाकर तिलक लेन वाले सरकारी आवास पर चली गई। घर में रोहित, सिद्धार्थ के अलावा अपूर्वा, नौकर मार्था, नौकर गोलू और ड्राइवर अखिलेश थे। रात में रोहित ने शराब पी और अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ अपूर्वा ने भी कपड़े बदले और उसी कमरे में चली गई। उन दोनों के बीच उस महिला को लेकर मारपीट शुरू हो गई। रोहित नशे में था, इसलिए उस पर अपूर्वा भारी पड़ी। अपूर्वा ने पूरी ताकत से रोहित का गला दबा दिया। इसके बाद उसने बेड पर पड़े तकिया से रोहित का मुँह तब तक बंद रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। गुस्सा कम हुआ तो अपूर्वा को एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया। वो तुरंत सबूत मिटाने में जुट गई। पहले अपने मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट किया, घर में लगे 7 CCTV कैमरे में से 2 को ख़राब कर दिया। अगला दिन 16 अप्रैल, रोहित पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं दिखे तो नौकर उनके कमरे में पहुंचा। देखा तो सन्न रह गया। रोहित की नाक से खून बह रहा था, वो अचेत पड़ा था। उसने तुरंत अपूर्वा और उज्ज्वला शर्मा को इस बात की जानकारी दी। दोनों एम्बुलेंस के जरिए रोहित को मैक्स हॉस्पिटल लेकर चले गए। 4:45 डॉक्टर ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अपूर्वा दहाड़ देकर रोने लगी। लोग उसे सहानुभूति देते रहे, समझाते रहे, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। अपूर्वा ने रोहित की हत्या के बाद उसे नेचुरल डेथ बताने की सारी कोशिश की, लेकिन उज्ज्वला शर्मा को शक था कि रोहित की हत्या हुई है। इसी दौरान उसने देखा कि अपूर्वा लोगों के सामने तो रोती है, लेकिन जैसे ही लोग चले जाते हैं वो नॉर्मल बिहेव करती है, खाना खाती है, लोगों से फ़ोन पर बात करती है। ये बात उज्ज्वला ने बाकायदा मीडिया में आकर बताई थी। लेकिन हुआ क्या कि तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें बताया गया कि रोहित की हत्या गला दबाकर की गई है। यानी तमाम जांच पड़ताल के बाद कई सवाल उभरे और पुलिस ने इन्हीं सवालों के बीच अपूर्वा से सारा सच उगलवा लिया। 8 दिन चले इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के बाद 24 अप्रैल 2019 को पुलिस ने अपूर्वा को रोहित की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ 518 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद से उसने कई बार जमानत पाने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इसी साल 7 जनवरी 2022 को उसे पहली बार दिल्ली की साकेत सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी। अपूर्वा को हत्या करने का अब कोई दुख नहीं है। वो कहती है उसे कोई पछतावा नहीं है। फिलहाल केस अब पूरी तरह से खुल चुका है, सब कुछ साफ हो चुका है, कोर्ट भी जल्दी सजा का ऐलान कर सकती है। ऐसे में सवाल रह जाता है कि गलती किसकी, अपूर्वा की या रोहित की, या उनके बीच दरार बनी कुमकुम की, उज्ज्वला की गलती है, या फिर अंडी तिवारी की। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।